सो हे पोकेमॉन, कैसे आप लोग? आज स्वागत है एक और धमाकेदार एपिसोड पोकेमॉन स्कारलेट एंड वॉयलेट। भाई साहब, लाइक इसमें इतनी सारी चीज़ें, एक मिनट, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड किधर है यार? इलेक्ट्रोड पकड़ लूँ, क्योंकि वो मुझे अभी नहीं मिला है। लाइक इलेक्ट्रोड मेरे को वॉल्ट तो बहुत सारे मिले थे। ओके, इधर बॉम्बार्डियर है। ये कौन सा हो रहा है? पर्शियन है, पर्शियन शायद मैंने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा, यार देख लेते हैं भाई, क्योंकि यार पकड़ने है। तो हम जाने वाले एरिया जीरो की तरफ, हम कंटिन्यू करने वाले। आपने लेजेंडरी मेरा, ओ नहीं पकड़ा उसको। आपने अगर लेजेंडरी एपिसोड मेरा नहीं देखा तो देख लेना, क्या ही मज़ा आता है उसमें। एक चीज़ आई है गाइस, कि जो उसकी म्यूज़िक है, जो लेजेंडरी एनकाउंटर की म्यूज़िक है, आप अगर ध्यान से सुनोगे, एक गाना है दलेर मेहंदी का पुराना, मिल गया यहाँ पर पर्ची, तो वो है टूनक टूनक टू टूनक टूनक, और बिल्कुल मिलती जुलती म्यूज़िक है। मतलब क्या नेक्स्ट जेन इंडिया में आने वाली है? वैसे नहीं आने वाली, अगर आ गई तो सोचो आ सकती है, लाइक मतलब कुछ भी हो सकता है। तो भाई उसकी ऐसी म्यूज़िक है। तो म्यूट मेरे को मिल चुका है, पर्शियन भी मिल चुका है, और अब आगे चलते हैं। अब म्यूट नहीं मिला, बट दहल मेरा छोटा था म्यूट की तरह, पैस क्या की तरह तू, क्योंकि हाँ अच्छा अच्छा मुझे याद है कि मैंने डिट्टो पकड़ा था। ओके, डिट्टो पकड़ा था, क्योंकि वो डिट्टो बदल गया था, और वो जो पीछे घूम रहा फाइट ऑफ का, वो है गैस इवोल्यूशन, वो भी मैंने इवॉल्व कर लिया, बहुत सारे इवॉल्व कर लिया स्लेट के चक्कर में, लेजेंडर के चक्कर काफ़ी कुछ हो चुका है, वो अच्छी बात है। और ये भी मिल गया मैं भाई। रात को कैसा लग रहा है देखो, उसकी आंखें चमक रही हैं, क्यूट सा लग रहा है बट है बढ़िया सा। देखो आंखें वाइट वाइट से भाई, भूत भूतिया पोकेमॉन घूम रहे, तो वो देखो आंखें भाई भाई भाई। और सिर्फ एक चार हाइट है इसकी, 1'4" बस। ओके, तो ड्रिप में वो भी बाकी है, कोई नहीं वो भी पकड़ लूँगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। इलेक्ट्रोड किधर है भाई, वो ढूंढो। यहाँ पर डिट्टो मिलता है, जिसको नहीं पता डिट्टो है यहाँ पर। लाइक ऐसे आपको सीधा नहीं दिखेगा वो, आपको आप मारोगे ना उसको तो डिट्टो में बन जाएगा, जैसे कि जिगली पफ है तो डिट्टो हो सकता है। ये सारे डिट्टो वाले एरिया वाले हैं, यहाँ पे डिट्टो है जिसको नहीं पता, पहले बता देता हूँ मैं। लेकिन इलेक्ट्रोड तो हमें मिल ही गया, किधर जाएं? इलेक्ट्रोड, ओ मिल गया वोल्ट, और भाई 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 वोल्ट ऑफ, फटी मत फटी मत। चलो वोल्ट ऑफ तो मिल गया, इलेक्ट्रोड भी मिल जाएगा पपड़ों से। वो तो तुम्हें वो जिगली पफ गंदी सी शक्ल वाली नहीं दिख रही, लाइक खतरनाक सी आंखों वाली, वो पीछे जो घूम रही थी, ओवरऑल नहीं वोल्ट ऑफ है वो भी। पॉकी बॉल को पॉकी बॉल के अंदर पकड़ा है, डैम। वो जा रहा। गैस एक और बस, यहाँ पे इलेक्ट्रोड मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इवॉल्व कर लूँगा मैं। इवॉल्व भी कर लो यार सीधी, अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को ऐसा एरिया पता चल गया है जिसमें 50 लेवल प्लस है, और क्या कहते हैं वो भी है। वो देखो देखो ना इसकी शक्ल, देखो इसकी, ठीक है अब इसकी शक्ल देखो भाई, ऐसा लगा था गुस्से में था ना, छाया पड़ रही थी। ओके, इलेक्ट्रोड शायद चला गया। चलो गाइस हम चलते हैं एरिया ज़ीरो की तरफ, कोई नहीं देखते भाई एरिया ज़ीरो में क्या है हमारे लिए, हम क्या करने वाले, क्या मस्ती होगी, क्या खतरनाक सा होने वाला है। ओके, यहाँ पे ये वायग्रोथ दिख रहा है मेरे को, हमें इसका कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा इसमें, बहुत ज़्यादा लाइक इसमें एनर्जी है, और इसके बाद वाले में ताकत बहुत है, बट वो आलसी बहुत है, स्ले किंग, लेकिन स्ले कर देता भाई, नाम उसका स्ले है गाइस, किंग है वो। ओके, यहाँ पर कुछ है, ये कौन सा पोकेमॉन है? ओके, ये भी मैंने पकड़ लिया, रॉकरफ भी। ओ उर्सरिंग पकड़ा है मैंने, उर्सरिंग टेरा वाला देख लेते भाई। मैंने आगे टिंकर टन रखी हुई ना काम पे, ठीक है अभी पता चले पकड़ा कि नहीं पकड़ा। और कौन सा टेरा ये? बिजली, ओ फ्लाइंग टेरा बना है। ओके, भालू उड़ रहा भाई, भालू यार, कम से कम विंग्स विंग्स ऐसे कुछ दे देते बढ़िया रखता, बैलून दिया उन्होंने। ओके, उर्सरिंग नहीं पकड़ा, अच्छी बात है कि यहाँ पे हम इसको लाइक पकड़ सकते हैं, टैरा टाइप को भी, फ्लाइंग टैरा दे दे दे, हैमर दे, पिचका दे, बैलून फोड़ दे इसके। ओ माय गॉड, एक में गया ये तो भाई, एक में गया। ओके प्लीज़ आ जाइए, एक बार में आ जाइए प्लीज़, आ जा तेरे बच्चे मैंने किडनैप करके, आ जा, वो दिख रहा है तेरा भाई टूट का रिश्तेदार पीछे गुरीला, उसको भी पकड़ रखा मैंने भाई, ये तो बदला लेना आ गया, क्या मारेगा? बॉडी स्लैम। ओके, यही फायदा यार स्टील का, यही फायदा स्टील और रॉक रखो, हमारी अपनी टीम में रखो, सामने भेजो, हील करो, रिवाइव करो, कैच करो पोकेमॉन, लाइक मतलब स्ट्रैटेजी के लिए उसके लिए सही है, बस अगर फाइटिंग मूव निकला है तो वो अलग बात है। और यहाँ पे पैरालाइज कर दिया, खैर मुझे उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे इसे पकड़ना है उर्सरिंग, और हम जाएंगे एरिया ज़ीरो पे। एरिया ज़ीरो पे क्या होगा,
अगर वहाँ पे और भी ज़्यादा लेवल हुई तो फिर तो और अच्छी बात है, क्योंकि फिर मैं इवॉल्व जल्दी कर सकता हूँ मैं क्रॉशा। ओ भाई ये तो गलत मार दिया इसने, बट मैं फेरी टाइप भी हूँ तो मुझे नहीं लगेगा उतना। स्टील होता तो फिर तो ख़त्म था। पुई पुई अरे पोई एरे लेस भी इसके पास, सब कुछ इसके पास, क्रॉस चॉप है, फ्लाइंग भी है, बॉडी स्लैम पैरालाइज कर दिया। वाइग्रोथ खड़ा देख रहा है बस पीछे से, वाइग्रोथ पता नहीं क्या नाम है इसका, मिल गया। ओके कैश आते ही हमारा पहला पोकेमॉन, पहला तो नहीं, हमने अभी पर्शियन म्यूट पकड़ा, फिर इसको पकड़ा और क्या करें। नॉर्मल इट इज क्वाइट स्किल एट क्लाइंबिंग ट्रीज इफ इट कम्स अक्रॉस अ प्राइम फाइल सर्चिंग फॉर बेरीज। ओह प्राइम प्रोविंस की आपस में फाइट होती है, डैम हाइबरनेटर पोकेमॉन ये होता है ना। और टेडी उर्सा नहीं पकड़ा, जैंगूज नहीं मिला मेरे को, सर्वाइपर मिल गया, जैंगूज नहीं मिला यार, जैंगूज था मैप में दिख रहा मेरे को, फुल स्टोन मिल गया बट पता नहीं क्यों नहीं मिला मेरे को, मतलब वहीं तो था ये। क्या शाइनी है क्या ये, भाई ये शाइनी क्या भाई, अगर ये शाइनी हुआ ना तो ऊपर से कूद पड़ूंगा मैं, वो अलग बात है मेरा फ़ोन मुझे बचा लेगा या फिर मेरा डॉन, बट अगर वो शाइनी हुआ तो भाई दर्द होगा। वो एक्सी दिख रहा है, एक बैग से मैं गैस वो निकालता हूँ, फुल स्टोर कर लूँ, करना ज़रूरी है वो, क्योंकि मुझे नहीं पता ना वहाँ एरिया ज़ीरो में कैसा है। सोचो 75-80-90 लेवल का है और हम अभी 70 लेवल पे हैं। वो हम चढ़ सकते हैं, अरे हाँ हम तो चढ़ सकते हैं, मैं तो कभी आया नहीं था यहाँ पे। ओ भाई 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 गलत आ गया, ये क्या है भाई, कार जो हवा में उड़ रहा है, व्हाट भाई, भाई 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 58 लेवल, भाई कार जो हवा में उड़ रहा है, भाई तू कब से फ्लाइंग बन गया, हेलो व्हाट कैसे, लाइक ठीक है मतलब ये प्लेन है उसके ऊपर बनाया हुआ शार्क के ऊपर जैसे। ओ माय गॉड भाई साहब एरिया ज़ीरो सही में खतरनाक है, ये तो उड़ रहा है, मिरेकल मिरेकल मिरेकल, ओ नहीं फेल, फ्लैश मारा उसमें भाई, 58 लेवल का वैसे भाई देखे पता है, अगर मैं रन करके फिर पकड़ू तो अभी देखता हूँ। ये ले देखा, अरे दिमाग गाइस दिमाग लगाया करो ठीक है, गेम को एंजॉय तो करो करो, दिमाग से भी खेलोगे तो और ज़्यादा मजा आएगा। अब फिर से मेरे को चांस मिल गया क्विक बॉल का, क्या पता पहले में आ जाए, टाइम भी बच गया है ना, नहीं आया फिर से मैं भाग जाऊँगा। ओ भाई साहब डिक कर दिया इसने तो, भाई हवा में छेद करा इसने पता है, ले आ गया वापस, ये ले देख रहे हो। वैसे मैं ड्रैगन टाइप वो फेरी हूँ, ये ड्रैगन है, लेकिन इसका दिक्कत यह है कि इसके पास डिग है जो स्टील पे बहुत दर्द करेगा और 58 लेवल का है, डैमेज बहुत करेगा ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि गार्चॉम है भाई वो, अलग गार्चॉम का डैमेज अच्छा खासा होता है। अगर मैं इसको सुपर किस मारू तो मरना चाहिए यार प्लीज, मतलब सुपर किस नहीं ट्रेनिंग किस, भाई बच गया बच गया बच गया, ठीक है भाई गार्चॉम की चुम्मी ले ली, गार्चॉम इज लाइक ओपी पोकेमॉन, गर्दन ऊपर करते गर्दन टूट जाएगी और ये बाइट मार रहा हवा में उड़ता हुआ। ओके एक बार और करे हल्का सा, गाइस मेरे को डर लग रहा है मरना चाहिए, प्लीज मरी मत, बस तेरी पैस की आग भाई, इससे अच्छा तो मैं स्केटर स्मैक मार देता यार। टिंकरटन कीड़े पड़े तेरा टन टना टन 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 भाई, भाई घर चम उड़ता हुआ मिला था मेरे को यार, खैर मेरे पास कबाइट तो है, खुद खुशी करने का मन कर रहा है मेरे यहाँ से, और इसके इसको लेके जाऊँगा साथ में मैं भाई, कितना बड़ा क्रिएटर है ये, और आई मीन क्रिएटर भाई वापस वहीं भेजा जहाँ पे मेरी बुरी यादें, टाइम जहाँ पे बुरी यादें गाइस,
ये ओके कूद नहीं सकता मैं। चलो यार चलते हैं। दर्द यादों से गुजरते हुए। और एंट्री कैसे बनाई है उन्होंने? ये क्या है? ठीक है अच्छा लाइट है दो ऊपर, वो गेट से दिखाया। हे ओवर हेयर, आ रहा हूँ यार आ रहा हूँ मैं। दिल से बुरा लगता है ऐसे, दिल से। कैसे कैसे? दिस इज द जीरो गेट। भाई साहब क्या लग रहा है जीरो गेट। ओके गाइस वापस आ चुका हूँ मैं। तो कहाँ पे था? हाँ इट वॉज मेड सो रिसर्चर्स कुड ट्राई टू ऑब्जर्व द इनसाइड ऑफ द ग्रेट क्रेटर ऑफ पैल्डिया। अच्छा तो ऐसा बनाया गया था। वट फॉल्स कॉल एरिया जीरो, इट्स अवर टिकट डाउन इन टू द क्रेटर। अच्छा तो यहाँ से जाएंगे तो क्रेटर के अंदर जा सकते हैं, लाइक लिफ्ट टाइप। ओ एंड स्पीकिंग ऑफ द क्रेटर, यू नो डैट पोकेमोन ऑफ योर्स, द वन आई गेव यू। हाँ एरिया जीरो इज अपरेंटली वेर मिरर डाउन। अच्छा ये यहाँ पैदा होता। अच्छा मतलब समथिंग लाइक डैट, मे बी इट विल बी हैप्पी डैट इट कैन फाइनली कम बैक होम। भाई तो फिर भारी क्यों आता? नॉट डैट आई रियली केयर ऑन एनीथिंग। केयर तो तू करता है। एनी वे आवर टू न्यू टीममेट्स शुड बी वेटिंग फॉर अस। कौन है तू? अच्छा वो ही होंगे यार, निमोना और अपना वो क्या कहते हैं पैनी। द वे होम, ओके द वे होम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है यार, एक तो यार बीच में काम कभी भी आ जाता है ना, कोई आता गेट पर आ जाता है या फिर लाइक, तो वो कट करना पड़ जाता है बीच में क्योंकि काफ़ी देर टाइम निकल जाता है फिर। आई मीन नहीं तो डायरेक्ट खेलते 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 मज़ा आता है। मतलब ऐसा हो ना कि पहाड़ों में जाके इंटरनेट और सारी चीज़ें, लाइक बाहर के देश में जाके अपना अलग सिस्टम, कोई तंग ना करे, एकदम मस्ती करते रहो। और अंधेरा फिर से कायम। ओके आ गया गैस। ओह लाइटें वाइटें काफ़ी लगी हुई हैं, एकदम पूरा मॉडर्न है। वो काइंड ऑफ डार्क इन हेयर, तो खिड़कियाँ खोल दो भाई बटनों को कुछ। ओके निमोन आ चुकी है भाई, हमारी मदद करना है। होला अमरे होला, एट मे साइड देर विल बी टर्न्स ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सन, सो हेयर आई एम। भाई हमें हराने के चक्कर में होगी 100%। वंस शी सेड शी वुड गेट टू बैटल ऑल्सो पोकेमॉन, तो वो यहाँ सीधा एक ही सेकंड में आ गई। यू आर एन अनोइंग लिटिल पेस्ट एट द अकेडमी। लोल कह रहा है तू एक छोटा कीड़ा है, अनोइंग कीड़ा है, बट लेकिन तू फिर भी काम आ सकती है। कैसे बोला? स्पोकन लाइक ए गाय हु वॉन्ट्स टू गेट बिटन इन अ बैटल। भाई बैटल में तू पेल दे से। बट मोर इम्पोर्टेंट, वाई वाई इट्स सो डार्क एंड वेयर इज अ ऑसम पोकेमॉन। रुक जाए ठंड पाले भाई, वो कहाँ है पैनी? भाई वो कर सकती है। या इट इज़ वेयर डैट द लाइट्स आर ऑफ, द लास्ट टाइम आई वाज हियर द इलेक्ट्रिसिटी वॉज अप एंड रनिंग, बट नाउ हो गया हो गया हो गया हो गया। वेल नाउ द लाइट्स आर ऑन, बट वाई? अरे पैनी होगी दूसरी, वही थी आई टर्न द, मुझे पता था ये वही है ना, क्या ना दिमाग वाली टेक्निकली जो सेम्स लाइक देवर ऑन पावर सेविंग मोड। अच्छा पावर सेविंग मोड पे थे। हाँ पावर बचानी चाहिए ऑब्वियसली, हर बार हर कोई थोड़ी जाता है यहाँ पे। आई हैक इनटू द सिस्टम कंट्रोल्स एंड ओवरलोड द सेटिंग्स। ओह माय गॉड, यहाँ भी हैकिंग ओपी है भाई ये। बस मुझे ये नहीं पता कि लड़का है कि लड़की, अभी तक इसका नहीं पता। ओ इट्स यू द किड विद द फ्लफी ईवी बैग, ईवी फ्लफी ईवी बैग। आई गेस माय नेम इज पेनी। वेल हे वी नेवर गॉट टू एक्चुअली टॉक, आई एम निमोन आई एम। भाई कैसे चिल्ला के बोली, और वो बेचारा डर गया वो भी। यू मस्ट बी काइंड ऑफ टैक बेस, वो तो है। डू यू लाइक पॉकेमॉन? नहीं 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 बिल्कुल नहीं भाई, इसके तो पसीने छूट गया यार। यू टॉक लाइक वे टू मच लोल। भाई एक एक्सट्रोवर्ट है एक इंट्रोवर्ट है। द डायरेक्टर इंट्रोड्यूस अस व्हेन यू नीड समवन विद गुड विद टेक, शी इज अ नो ब्रेनर। लोल एनीवे पेनी हियर आल्सो अग्रीड इन द सेकंड बेंच हियर, इट वाज टू हेल्प अमृत। भाई दोनों की हेल्प करिए तो ऑब्वियसली। आई एम नॉट रियली द एडवेंचर टाइप बट आई ओवर यू अमृत, आई पे माई डेब्ट्स। शी इज सरप्राइजिंगली ओल्ड फैशन लाइक दैट एंड ऑफ कोर्स एवरी वन नोज यू आर, बट माई लव इंक्लूड्स माई मॉबर शिफ्ट कुकिंग एंड तरफ हो गए तो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन इन प्रोग्रेस। कॉल बोल रहा भाई, अच्छा कंप्यूटर बोल रहा होगा। हेलो अमृत आई बिन एक्सपर्ट। अच्छा टूरो आ गया भाई, भाई हमें स्कैन कर लिया। एंड इट सीम्स यू आर गैदर ग्रुप ऑफ फॉर्मिडेबल एलाइज एज वेल, और तेरा नपला बेटा भी आया, जुल्फी बेटा, चपड़ी जुल्फो वाला चपड़ी। ओ सॉरी हु आर यू? प्रोफेसर टूरो, तो इसके बारे में जानती, तूने हैक कर लिया पोकेमॉन लीग, तेरे को नहीं पता? जबकि पोकेमॉन लीग वाले प्रोफेसर के साथ हमेशा बातचीत करते रहते हैं। डैट्स माय डैड, डैम प्रोबेबली प्रोबेबली कह रहा भाई। व्हाट्स डैट्स प्रोफेसर टूरो? हाँ मैं बोला स्टूडेंट आईडी नंबर इतना एंड पेनी स्टूडेंट नंबर इतना, थैंक यू फॉर कमिंग, सीधा ही पता कर लिया। ऑफ कोर्स प्रोफेसर, माय गॉड इट्स सच एन ऑनर टू मीट यू सर। अरे 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 आई मीन मे बी नॉट इन पर्सन एग्जैक्टली, कहता होगी भाई। अरे डिड यू टेल योर डैड अबाउट अस? बताया क्या हमारे बारे में तुम्हें?
वुड आई हैव डन दैट, कैसे मैं बात ही नहीं करता ये तो. टू बिगिन विद आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल टू मेक योर वे डाउन इधर. ठीक है हम आ जाएंगे. यू कैन रीच द लोअर चैम्बर यूजिंग द एलिवेटरी. अच्छा यहाँ से एलिवेटर से जा सकते हैं हम नीचे लोअर चैम्बर में. डैड मेरी फट रही है भाई, ऐसा बोलेगा प्लीज़ प्रोसीड. बोले भाई बात ही नहीं सुन रहा भाई, कैसे उदास हो रखा है. आर दे नॉट ऑन गुड टर्म्स ऑब्वियसली, मस्ट नॉट बी डैम बॉय. क्या समय वहाँ लिफ्ट से नहीं जाता, वो बैटलिंग उससे करना चाहती है. गैस वी डू बेटर प्रोसीड बिलो एज रिक्वेस्टेड. ओ भाई इतना दूर टेलीपोर्ट कैसे मार दिया उसने. टू यू शुड बी रियली फेमस, एवरीवन न्यू हु इज वाज. अच्छा तूने बट ही हैज बीन इन मीडिया लाइक इन एजेस. वो यहाँ पर है ना. अरे यार फिर से काम आ गया गैस, एक मिनट रुक जाओ. मुझे लगता है काम खत्म करके आना पड़ेगा. बैक 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 एक मिनट. सॉरी गैस बीच में काम आ रहा है बहुत, इसलिए तो उसने बोला कि राइट से जाना है. चलो भाई राइट से चलते हैं. आ जाओ भाई बाकी सारे. As requested, proceed below by Professor Turo, जो कि अरबन कह रहा है बेचारा. अरबन अपने डैड से प्यार तो करता है बट नाराज़ भी है. तो ये क्या है, ये क्या है भाई, एक और गेट. अच्छा इसके पीछे एरिया जीरो होगा शायद, हो सकता बंद करोगा. बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्रेस आइडेंटिटी कन्फर्म. अरे ओह डिलीवर कर गया. चलो गैस लोअर. ओह इट ओपन फॉर अस ऑटोमेटिकली. Not quite looks to me like someone's controlling this thing remotely. वे प्रोफेसर टूर हो सकता है. Once you step through, you will be above. अच्छा हम उसके जीरो एरिया जीरो के ऊपर होंगे. अभी लोअर चैम्बर में गया है. हाँ मेरा नाम लेकर आऊँगा. अगर मैं नो कर दूँ तो फिर से बोलेगा ये. आई डो नॉट बी डाइट किन विद आइडेंटिफाई. अच्छा इफ यू यूटिलाइज मेराडोन्स ग्लाइडिंग कैपेबिलिटीज यू शुड बी एबल टू डिसेंड द टैप्स टू रीच जीरो. भाई इसने पहले स्कैन कर लिया था कि वो भी भाई पकड़ लिया इसने तो. उड़ तो हम ग्लाइड वट इजेंट देयर लाइक एन एलिवेटर समथिंग. एंड वेट डिड यू से मेराडोन कैन फ्लाई. भाई उसकी पावर नहीं आई. वैन यू रीच द बॉटम आई विल गेट इन टच वंस अगेन. आई होप योर ट्रिप इज अन इवेंटफुल. यार इवेंटफुल तो रीलोडिंग पीपल्स इन टू स्टफ जस्ट लाइक ऑलवेज. भाई और इसको तो कह रहे भाई मेरे को तो पोकेमॉन देखने नीचे. भाई लगता मेरे को ये शायद डैड का. इज शी लाइक इनकैपेबल ऑफ फेयर बट ऐसे ही भाई उसके साथ रही हो तो भी वैसा हो जाएगा, हो जाएगी जो भी है. आई गेस वी विल बेटर गो टू. भाई मेराडोन के ऊपर जाना यार. डैम भाई हवा आ रही है यार. ऐसा करता हूँ गैस मैं ना काम ख़त्म करके आता हूँ ना. चलो वापस तो आ गया मैं भाई, काम ख़त्म कर लिया. इतने कॉलर वो सब आ रहे थे यार. पिताजी भी बोल रहे थे भाई थोड़ा काम वाम पर ध्यान दो यार, दिन रात ही काम करते रहते हैं बस, साथ में पोकेमॉन पकड़ते रहते हैं. क्या करें गैस, तैयार है यहाँ से. ऐसा करता हूँ ओके कांट राइड, मतलब मेराडोन से कूद के जाना है और यहाँ राइड नहीं कर सकते. मतलब ये प्लेटफॉर्म किस लिए भाई साहब ये बताओ. मतलब यहाँ से मेराडोन से ओके यहाँ से कुछ जा रहा है. अच्छा ये टूट के, अच्छा टूट के नहीं आया, मतलब यहाँ से स्लाइड होके जाता है और नीचे आता है, ड्रॉप है कुछ. ओके मैं सोचा कि काट हो गया कुछ हो गया. मेराडोन होता है ऐसे करता जूम 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 सीधा जाते और इनको पकड़ के कूद जाता मैं. अब रेडी फॉर द बस भाई, रेडी फॉर द बस नहीं अच्छा होता है. ठीक है चलो भाई गुड, डैट्स ऑल वी नीडेड टू हेयर. Get out that Pokemon out yours and we will be off. भाई तैयार क्या आप लोग, तैयार हो गैस, क्योंकि मैंने तो हाँ कर दी है. अब मेराडोन को बाहर निकालो और देखते हैं क्या होने वाली है. डैम ओ माय गॉड क्रेटर इतना बड़ा आ गया. भाई देख रहा है भाई इसको क्या हुआ. भाई इसको पुरानी कुछ याद आ रही है. Scared of heights. That's what I would say. Well, no wonder. भाई तेरे को हाइट से क्यों डर लग रहा है. बट नो नेटिव स्क्वाड इफ वी गॉट टूगेदर. ओके वो भी बैठ गया, तीनों बैठ गए. हाउ डज डैट लॉजिक वर्क. चल भाई चल चल चल, एक धक्का मुझे देना क्या, लात मारू कैसे. धन्नो भाई पकड़ लिया. गए भाई उसके ग्लैड हो गया. थैंक गॉड भाई ये तो सबसे आगे मुझे ही बिठाया है, मतलब पहले ही बिठा देते. डैड अरवन है तो बढ़िया, अरवन अच्छा करेक्टर है. मतलब निमोना और पैनी भी अच्छी करेक्टर बनाई गई. मतलब निमोना की उतनी अच्छी शो नहीं जितनी अरवन और पैनी की थी भाई, बहुत ज़बरदस्त. ओ भाई साहब एरिया ज़ीरो, ओ क्या कहते हैं क्रिएटर है ये. और क्रिएटर कितना फला फूल था वो दिख रहा है, देख सकते हो आप. मतलब यहाँ पे ज़्यादा इंसान नहीं है ना,
इसलिए ऐसा लाइक नेचुरल। और हम कब आएंगे? पर चले क्रैश हो रखे नीचे, और देखो वो ऊपर से गिर रहा था ना। अच्छा ये रहे हम वो चेस्ट और वो सब आ रही है। एंड नाउ आई एम बैक हियर अगेन। आई थिंक आई माइट हैव डाइड वंस और ट्वाइस देयर। भाई तेरे को भाई डर रहा है यार, इसको कुछ तो हुआ है भाई। इट्स ओके बट अरे दोस्त है तू मेरे पगले, मैं हूँ तेरे साथ। बाकी पोकेमॉन भी है एंड अच्छा पोकेबॉल में आ गया। मेरे को लगा भाई रूप चेंज कर लिया। इट चोज टू गो बैक इनटू इट्स बॉल। दिमाग लगा रही है इस, कुछ तो गड़बड़ है। इट्स प्रॉब्ली जस्ट हंग्री और समथिंग है भाई, समथिंग। अरबन वेट अ सेकंड, वेयर द स्टूडेंट काउंसिल गर्ल। भाई वो पोकेमॉन पकड़ने चलेगी, वो ना रुकने वाली। और ये व्हाइट व्हाइट से क्या उड़ता हुआ जा रहा है। वाह शी गोज, यू डोंट थिंक शी, एवरीवन यू हैव टू सी दिस। पता था भाई जोरासी पार्क में जैसे आ जाते हैं, एरिया जीरो इज अमेजिंग। जैसे जोरासी पार्क में आगे डायनासोर देख के हो गया, ओ माय गॉड क्या डायनासोर थे वो सब। कम ऑन ऑलरेडी, आई गेस योर एबिलिटी वुड बी ऑन टेम्पो। हाँ बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्रेस, फोर ह्यूमन आइडेंटिफाई कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री, वाइटल साइंस ऑल विद इन नॉर्मल रेंज। भाई नॉर्मल इंसान की तरह बात कर ले यार। इट अपीयर्स यू वर एबल टू मेक दैट डिसेंट। एक होता है एसेंट और एक होता है डिसेंट। एसेंट यानी कि ऊपर जाना है, एसेंट डिसेंट नीचे, विदाउट बीइंग हार्म्ड। हाँ यस श्योर, स्मूथ सेलिंग, हु कुड पॉसिबली कंप्लेन अबाउट अ लैंडिंग लाइट। गुस्से में कैसे बोल रहा है, डैट इज़ गुड। भाई प्रोफेसर टूर तो कतई एकदम रिसर्च में ही है, उसको तो फर्क नहीं पड़ता। आई हैड कंसर्न यू माइट फेल गिवन द क्रूडनेस ऑफ द ओनली अवेलेबल एक्सेस मैथड। भाई कंसर्न थे कि हम फेल हो सकते हैं, फिर भी तूने बोला कि जाओ। साइंटिस्ट, आई थिंक योर डैड सरकंसर्न डायरेक्टर नीड्स फिक्सिंग। यू आर वरीड अबाउट योर डैड, सो स्वीट। अरे ये तो पागल उसके लिए। कंपटीटर, यू शुड नाउ मेक योर वे टू मी एट द जीरो लैब इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ। वाई जीरो लैब का डीप एंट्रेंस टू द लैब इज बैड बाय फोर लॉक। अच्छा चार लॉक है, इंस्टॉल देख से विच। अच्छा ये अनलॉक नहीं कर सकते, चार लॉक है। तो अब ये बोला कि चारों लॉक खोलो। भाई भाई साहब हो गया चार लॉक। ऑन योर वे टू मी यू मस्ट विजिट फोर रिसर्च सेंटर डेट वर्क। अच्छा चार सेंटर है तो चार लॉक हैं, अब उनको अच्छा ऐसे हैं। अच्छा ये सेंटर हैं क्या ऐसे। एट ईच स्टेशन यू विल बी एबल टू डिसेबल वन ऑफ द लॉक्स। ठीक है भाई, क्या चार लॉक है, चारों को अनलॉक करना है चार स्टेशन पर आके। साउंड्स काइंड ऑफ वीडियो गेम व्हेन यू से इट आउट लाउड, वीडियो गेम में ही हम। ठीक है कम ऑन, टाइम टू फाइंड अवर वे टू द डीपेस्ट पार्ट जीरो। ये पैनिक, और ये बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। अरवन फिर भी ठीक है, लाइक मिड में वो डरता भी है, फाइट भी करता है। ओके तो भाई मिरर नहीं आ रहा, क्यों भाई क्यों नहीं आ रहा वो। ओ भाई वो क्या है, वैना मौत है वो। भाई इतना बड़ा लग रहा है। ओए जिराफ़ अभी तक हमने नहीं पकड़ा ना। भाई शोर मत कर यार, भाई पीट मारा स्टन हो जाना चाहिए। हाँ जरा फिर को पकड़ लिया, स्टन हो गया। और इसका नया एवोल्यूशन आया ना 52 लेवल, नॉट बैड। सीधा पकड़ के देखते हैं, यानी कि अपनी लेवल ठीक है, मतलब वी आर गुड टू गो। ओ क्रिट मार दी, टाइम आते ही क्रिट पड़ा, इसी को तो कहते हैं भाई शुरुआत अच्छी। इसको इवॉल्व करूँगा मैं, मतलब एक पॉकेट है इसका और भी आ गया। ओके एंट्री में देख लेते हैं क्या हुआ। नॉर्मल साइकिक है, साइकिक तो पता था मुझे क्योंकि टेल साइकिक। टेल हैज अ स्मॉल बैट, इट इंस्टिंक्टिवली बाइट्स एट एनी वॉट अप्रोचेस द पोकेमॉन फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है भाई, इसका यानी कि इसका इवोल्यूशन है ना अच्छा। वो रहा देखो, फारिक फारिक चिरा फरीक फरीक फरीक। अरे यार बिना उसके जाना पड़ेगा, डैम फेल दूंगा इनको मैं। क्या म्यूजिक है, वैना मौत बहुत ऊपर है यार। खैर मैंने शायद वैनोनेट नहीं पकड़ा भाई, लुक तो बड़ी बहुत ज़बरदस्त लुक है। ओके एक वो रहा, एक वो रहा, ब्लू ब्लू से कुछ दिख रहा है, एक वो रहा पीछे पिटाई हो रही, और मैं एक वो नीचे कुछ दिख रहा है मेरे को। मैं म्यूजिक तो मस्त है, म्यूजिक मस्त है। ओ पकड़ रखा मैंने इसे, शिट मैन पकड़ रखा था क्योंकि पॉकीबॉल दिखा रहा है उसमें। बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया मैं, ये ले राचू, राचू भी पकड़ लिया मैंने।
मतलब इवॉल्व कर दिया मैंने पिकाचू का, ये क्या है? सो दिस इज द इनसाइड ऑफ द ग्रेट फील्ड डिफरेंट फ्रॉम जस्ट सिंग, हाँ किताबों से तो ऑब्वियसली अलग होगा। डायर नीचे चले आऊँ क्या? बट ये क्यों, वेट वेट, इट्स लाइक इट्स स्पूक्ड, गॉट स्पूक्ड बाय, भाई स्पूक तो होगा, डरा तो हुआ है वो। भाई फाइट ले यार, आई कॉट अ फ्लाइंग टैक्सी आउट ऑफ द क्रेटर, दे ऑलवेज कम। अच्छा फ्लाइंग टैक्सी है क्या? व्हाई डिडंट यू जस्ट कॉल प्रोफेसर इफ ही इज स्टेइंग डाउन देयर। भाई पोकेमोन नहीं आ रहा वापस यार। ओ कॉर्बिनाइट, एक मिनट, कॉर्बिनाइट मैंने शायद पकड़ा है, नहीं पकड़ा। हाँ नहीं, मेरे पे रुकीडी और वो, हाँ सेकंड पकड़ लिया मैंने, वो नहीं पकड़ा, कॉर्बिनाइट इवॉल्व नहीं कर रहा। ओके इसको पकड़ लेते हैं भाई, आए हैं तो कर लो यार, मज़ा आ रहा है भाई। हम बैरी वैसे भी नहीं खाने वाले, बैरी बैड चीज़ होती है, बैरी खाना ना तुम खाओ ना हम खाएंगे भाई। आ गए यार, अरे ओके गाइस, एक और पॉकेट एक्स एंट्री हो चुकी है, दो एंट्री हो चुकी है, ये अच्छी बात है, दो एंट्री हो चुकी है। फ्लाइंग शील ऑल द इट्स विंग है प्रिटी डन, ये तो हमें सब पता है कि भाई हवा में बहुत अच्छी तरीके से उड़ सकता है, खतरनाक भी है। और ये देखो हमारा कितना फुल हो चुका है, देख रहे हो कितना, डैम यहाँ सेव कर लेता हूँ मैंने, ज़्यादा कि ख़राब हो जाए कुछ और मेरे को फिर सब कुछ करना पड़े, क्योंकि इतने आसान से पोकेमोन नहीं मिलता है। लड़ी मेरा चिरा फरीक, मैं बहुत चिरा फरीक है यार, मैं सीधे कूद जाऊं क्या? लेकिन इन्होंने बनाया ऐसा है कि आप लोगों को पोकेमोन दिखे, प्लस आप लेवल अप कर सको, कैच कर सको, स्टोरी का कुछ पार्ट चल रहा है पीछे, इसलिए ऐसा बनाया। तो चलो चलते हैं, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मिराडन तो आ नहीं रहा, शायद मिराडन का कुछ पार्ट है। ओके मेडिचैम, मेडिटाइट, कॉर्बिनाइट, या कोई ट्रेनर तो होगा नहीं, हाँ क्योंकि हम ही हैं बस। अरे प्रोफेसर टूरो है, टूरो मजे ले तो उनके ज़रा, हम इधर नहीं लगता। पैनिक तो कह रही भाई, जान दे मेरे को बस, मुझे जान दो बस भाई, राजू सीधा मिल रहा है यार। हाउ वी विंड अप फ्रेंड्स, वेल आई गेस ही रियली जस्ट कम थ्रू फॉर मी व्हेन आई नीडेड हिम। अच्छा टूरो की बात कर रहा है क्या, कर रही है, कोई नया पोकेमोन दिख रहा है, कैसे नहीं दिख रहा। गो सो ही हेल्प्ड यू टू व्हाइल, व्हाट अबाउट यू, अरे निकल गया यार, टाइम अबरे क्लासमेट नेबर्स बैक होम। अच्छा नेबर तो है हम इसके घर के सामने आए हम, और नाउ हैव गॉट अ चैंपियन, बट वेट व्हाट, दैट्स वाइल्ड, अरे जंगली तो है ही ये, एंड यू हैव गॉट कूल फ्रेंडशिप ओरिजिन। ओके कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, यहाँ मेरा ध्यान बता पोकेमोन की तरफ है। आई गेस वी आर ऑल इन द बर्ड्स विद अमृत क्लब, भाई सारे दोस्त मेरे गाइस देख रहे हो, बट मेराडोन बाहर निकल रहा तो मेरे को वो कुछ है। अच्छा यहाँ पर आ गया मैं, फ्लेयर ब्लिट्स बुलाया, ओ माय गॉड फ्लेयर ब्लिट्स अच्छा मूव है, लेकिन अटैकर के लिए, सीरियसली अटैकर के लिए बस, जिसका अटैक जाए। ड्रैगन नाइट पर कर सकता हूँ मैं, ड्रैगन नाइट हर चीज़ सीखता है, बट ड्रैगन नाइट ओपी पोकेमोन लगा मेरे को, मैं से बताऊँ ड्रैगन नाइट ओपी पोकेमोन लगा मुझे, मतलब उसके जितना लाइक सारी चीज़ सीखने वाला तो मेरे को अभी तक शायद कोई मिला ही नहीं है जितना लाइक वो है। ओ गैनलोल बैरी, ये क्या है, गैंगनम स्टाइल, बस पूरा चलते हुए जाने का नीचे, पागल वागल है क्या? हाँ वैसे स्टोरी चल रही है ना, बीच बीच में बातें कर रहे हैं तो वो भी मिस नहीं कर सकता मैं, अगर इसको तोड़ा जाए तो कर सकता क्या कुछ, कुछ नहीं भाई, काय का स्टील है तू, एक पॉकी बॉल फुल शॉट है, कुछ है क्या यहाँ से? यो अच्छा स्टेज अच्छी बनाई है, म्यूजिक अच्छी बनाई है, और ये चमकीला चमकीला सा कुछ है मैक्स एग्ली सर, भाई चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये भाई कितना नीचे आना है यार, डोंट टेल मी नीचे भी नहीं आ सकता मैं, शेट मैन भाई साहब, गाइस नीचे भी नहीं जा सकता मैं सोचा कि जाऊंगा। आई बेट डेट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, हाँ वो तो मुझे पता है कि ये है,
एटलीस्ट मेरे को डायरेक्ट नीचे जाने का भी होना चाहिए था। हाँ फिर ऊपर का मिस हो जाता तो भाई एक बिल्डिंग है, मतलब वो जिसकी बात करते प्रोफेसर टूर हो रहा है और हमें वो करना है ऊपर, वो ऊपर ब्लू ब्लू सा गया रेडिश राशंस। अच्छा रिसर्च स्टेशंस, वेल आई वॉज क्लोज। अबे रिसर्च स्टेशन होता है रेडिश स्टेशन, ठीक है भाई उसके लाल बाल देखकर तेरे को रेडिश, उसके लाल बालों को इतना ध्यान से देख रहा था। व्हाट्स ग्रेट इज बाई कॉमन सेंस कंपेयर टू यू लॉट, भाई कॉमन सेंस की ज़्यादा भाई बेइज्जती कर दी इसलिए तो। क्या हुआ? ओ ये वो पोकेमोन है ग्राउंड और क्या था ये? आई डब्ल्यू डॉट डेट स्पेसिस कुड बी फाउंड इट। ओके वो यहाँ से लेकर आई कॉल, लेट्स मेक इट टुगेदर। क्यों भाई इतना स्ट्रॉन्ग है क्या? क्लाइमा का सब पोकेमोन मिल चुका है जिसके हम तलाश थे, वो एक एपिसोड में ढूंढ रहा था मुझे मिला नहीं था, बट उस एपिसोड पे शायद मुझे लेजेंडरी मिल गए नए वाले, वो अच्छा था भाई। वो उधर जाके लड़ रही है क्या अलग अलग? भाई कैमरा तो घुमा दे यार। ओके 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 डायरेक्ट नहीं पकड़ सकता मैं। ओके ये क्या है? ये ग्राउंड है, ये गटा नहीं मार देता ना, बात ही करता हूँ सीधा लेखा कोई कलर, यानी कि मेरी स्पीड ज़्यादा है और बूम डाल दे ये। स्वाद ही आ गया आनंद। अब फेंक ले, कोई आने वाला नहीं है, टॉक्सिक डेब्रिस फेंक लिया हमने, जूते पहन रखे हैं अब चैंपियन हम, ठीक है क्रिएटर का उड़ा देंगे कराटे से, कराटा पराठा पराठा बना देंगे साले। आर देयर गोना बी लॉट मोर दिस रेयर पोकेमोन डाउन हियर ऑब्वियसली। यू थिंक डेट वॉज समथिंग, प्लीज यू हैव गॉट नो आइडिया हाउ टेरिफाइंग इट इज भाई, इसको तो पता है। और मॉब स्ट्रिप को भी छोटी सी ले लगी थी, वाओ पैट्रोनाइजिंग मच। भाई ये दोनों लड़ रहे हैं भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह, और निमोना जैसे मैं मेरे पीछे पड़ी थी। इजी यू टू लेट्स जस्ट भाई चलते अंदर, चलो यार हैमर देखो अरवन के पिछवाड़े पर रखा हुआ उसने। काश मैं पोकेमोन को कह सकता कि हैमर इसके ऐसे पिछवाड़े पर मार और उड़ता हुआ बंदा जाए हवा में कैनन की तरह। और इसका क्यों मुँह खुला खुला का खुला रह गया? ओके शायद यहाँ स्टेशन को देख के। तो चलो गाइस हमारा पहला, ये क्या गिरा हुआ? अबे उठा ले तो लेता, डैम वो कुछ गिरा हुआ था। ओके तो पहला लॉक और बेड भी यहाँ पर, डैम दैट्स नाइस। आओ चलो सोए अरवन तू बाहर सो चल। वाओ आर दिस एंशिएंट रूइंस, भाई टेक्नोलॉजी दे लुक फार टू रिसेंट फॉर डैट। इट अबर्स यू हैव रीच्ड योर फर्स्ट रिसर्च स्टेशन विदाउट इंसिडेंट, सब पे नज़र रख रहा है। और ये कंस्ट्रक्शन 87 मतलब 87 सालों पहले बना था। ओ माय गॉड, सो दैट्स व्हाई देयर्स अ बेड। भाई मेरी तरह मत देख, बेड की तरफ देखते हो। लुक्स लाइक वी कैन यूज दिस प्लेस टू रेस्ट अप इफ वी नीड टू। अमृत इफ यू वुड बी सो काइंड टू डिसेबल द फर्स्ट लॉक। अरे अभी कर देते हैं सर जी, अभी कर देते हैं, ये लो। हाँ यार कर दो, पहला लॉक गैस हमने कर दिया। लॉक डिसेबल, 3 ऑफ लॉक आर स्टिल एक्टिव, वेल डन, प्लीज कंटिन्यू योर एफर्ट्स एट द रिम। ठीक है भाई ये अभी भी गुस्से में है, जरूर जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा। ओके तो अगर हम रेस्ट करें तो रेस्ट की जरूरत नहीं है, और नहीं बोना रेस्ट करना है क्या? लुक्स लाइक यू कुड गेट अ डिसेंट रेस्ट। कोई बस तेरे को देखते ही वैसे ही थकान उतर जाती है, क्योंकि क्या ही बोलें हमें भागना पड़ता है। आई वंडर इफ माय डैड एवर वर्क्ड हियर, 27 साल पहले। भाई तेरे पापा की इतनी उम्र नहीं है। और टेलीपोर्ट है यहाँ पर, एक मिनट टेलीपोर्ट देखना था, शायद वो दूसरे स्टेशनों पर जाने के लिए भी हो सकता है। अभी देखता हूँ मैं, एक मिनट देख लेता ना क्या है वो। वेर वुड यू लाइक टू गो? अच्छा जीरो गेट और वो के टॉप पे वापस आकर जाना हो तो अच्छा बोले, देख लिया अब हमें पता है कि ये कहाँ जाता है। बोले तो हमें पेराडन बाहर आ जाए यार। सो माई डैड अपनी जिंदगी में पूरा नहीं देखा, इट्स ए टाइम फॉर द बैक स्टोरी रिवील। भाई पैन है ना इसकी बैंड बजे, ही वॉज ऑलवेज बिजी विथ वर्क, आई कुड फॉर माई सेल्फ क्लीन फॉर माई सेल्फ, मैपरशिप वॉज ओनली वन। भाई अकेला ही भाई मैपरशिप ने सब कुछ किया, मैं उसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं, चाहे वो मेरा डैड हो। सुन ले पहले तो उसको चिढ़ा रही थी, पता तो आई वुड हैव जस्ट अ डैड हु वाज देयर, आई हैव सीन हिम नो दिस अनलेस यू काउंट सी हिम इन द न्यूज़ और वट एवर, बेचारे का। एंड देन देयर इज अ आउट ऑफ द ब्लू टेल्स मी व्हाट टू डू, सम फैमिली राइट। अरे कोई नहीं सब चलता है, बट क्या बट वी आर नॉट हेयर टू जज और एनीथिंग। पैनी एंड आई एम सॉरी अबाउट ओली, आई शुड हैव आप सॉरी मांग लिया, तो अभी मैं इसको कुछ बोलने वाला था, मैं नमूनी कह की बंदरियासी, यू नो यू आर एक्चुअली प्रीटी नाइस फॉर अ लिटिल पीप्स क्विक लोल। वो भी लगा पड़ा है यू बिग लंक। भाई दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए गाइस, मैं बता रहा हूँ दोनों वो है, दोनों ऐसे लड़ रहे हैं ना
पहले थोड़ी देर में छाया में कोने में पेड़ के पीछे किस करते हुए दिख जाएंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और निमो ना मेरी तरफ स्माइल करते हुए आएगी और मैं यहाँ से छलांग मार दूंगा उसको लेके, क्योंकि अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी ना सांप के सामने थोड़ी। ठीक है भाई, ज़्यादा वो करना नहीं चाहिए, ज़्यादा मस्ती नहीं, क्योंकि कभी कभार तुम लोग पेरेंट्स के साथ बैठ के देख रहे हो। और ओ कैसे हो रहा डैड, लिटिल मोर, आई डोंट नो रॉबर्ट, आई एम श्योर इट्स लॉयल क्रिएचर ऑल टुगेदर। भाई बातें करते करते वो ही लगा, इसको मॉब स्टिप को किसी ने करा था। आई डोंट एवर वॉन्ट टू रन इनटू दैट। भाई मेरे को अपना एपिसोड खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि बातें करते करते नीचे से वो लाइक नीचे की कहानी निकल गई कि वो थोड़ा रॉबर्ट टाइप का था। और भाई भाई दूर है मेरे से, भाई लगा प्लीज़ आ जाइए। अच्छा ये लुक बहुत अच्छी बनाई है, लाइक इसकी लुक अच्छी है। फरी जिराफ, जिराफ फरी, फरी जिराफ, उल्टा कर दिया बस। प्लीज़ आ जा, प्लीज़ आ जा, प्लीज़ 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 प्लीज़। यस, अरे कितना ईजी है इसमें पकड़ना, इसमें एरिया जीरो पकड़ना ईजी है। वो नॉर्मल साइकिल था, मैं देखना चाहूँगा कि क्या है ये, क्या बना ये, अभी भी नॉर्मल साइकिल है। साइकिल द हार्डन हेड फ्रॉम द टेल प्रोटेक्ट्स द हेड ऑफ द मेन बॉडी एस फरी जिराफ विप्स इट्स लॉन्ग नेक। ठीक है भाई, अब लंबी गर्दन की बात है, बाकी हेड बचाने के लिए वो उसके जो टेल है वो आगे आ चुकी है। हर पर टर्न स्पार्स का इवोल्यूशन नहीं है, बाकी सब है, लाइक वाले उसको इवॉल्व कर देंगे। वैसे तो है मेरे पास, पकड़ रखा मैंने उसे, टैन फ्लेम भी पकड़ रखा है, हाउ लूचा भी पकड़ रखा है। सही है सो फार, अच्छा है अभी तक चल रहा है। मैक्स पोशन क्या हमें, ओ भाई भाई भाई, और रॉक रफ दिख रहा है मेरे को। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेरे को पॉकीबॉल कोई दिख जाएगी। भाई 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 भाई, क्या पता कोने पड़ी हो, ये कह रहा है गो बैक, क्यों जाऊँ मैं गो बैक, है क्यों करूँ मैं। ओ पहले नीचे पहुँची पड़ी है। ओके टायर फ्लेम, प्लीज प्लीज प्लीज, एक और स्टेशन दिख गया गाइस मुझे। ओ कार का निकल यहाँ पर है, टाइम कार का निकल नीचे गिर गया। ओ भाई कार का निकल, खुदकुशी कर ली भाई साहब। निमोनो को देख के कह रहा मैं नहीं रहना चाहता इस गोला पे, वो नीचे वो गवार के निकल हो रहा है। एक और एरिया जीरो मस्त है यार, लाइक यू कैन फार्म, यू कैन लेवल अप, अच्छा एरिया है और इजीली पकड़ में आ रहा है। और एक और स्टेशन मिल चुका है हमें, रिसर्च स्टेशन, तो 87 ईयर्स पुराना स्टेशन पहला था जो था। द सेकेंड अबाउट टाइम, और सेकेंड लॉक मैं खोल दूंगा, हाँ लग रहा है ताले ही खोलने में, तो ताले खोलते जाएंगे हम। दिमाग का थाला, थाला खोलो बाबू, थाना खाया नहीं थाया। डैम बाबू सोना दो हमारे साथ घूम रही, फ्यू लेट्स हेड इन एंड टेक अ ब्रेथर। नहीं बोला तू थक गई, मेरे को यकीन नहीं हो रहा, आई थॉट यू वुड हैव अ बिट मोर स्टेमिना स्टूडेंट काउंसिल। हाँ ये भी मैं कहना चाहता हूँ, अचानक से क्या हुआ, हे 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 आई एम जस्ट फुल ऑफ सरप्राइजेस, दैट्स वाजंट अ कॉम्प्लीमेंट, बेइज्जती करी तेरी भाई उसने। निमोनो को क्या हो गया, ओ इट्स गुड टू सी सम नाइस फेवरी पॉकेट। अरे नहीं ये डेलीबोर्ड अलग है, भाई डेलीबोर्ड अलग है ये। ओ माय गॉड सो क्यूट, आगे बच्चा, भाई भाई कुछ सीन हो जाएगा तेरे साथ। ओ माय गॉड व्हाट द, मैंने बोला था पीछे पीछे भाग, पीछे भाग, पीछे भाग, मैं हूँ। अरे इट्स बैटल टाइम, अरे तू लड़ेगी क्या मेरे साथ, अभी तो चिल्ला रही थी। ये डेलीबर्ड, अच्छा यहाँ पे रोबोटिक वाले मिल रहे हैं ये, तो ए ऐसी क्रिएचर ने, और मुझे निकाला भाई उसने, ऐसी क्रिएचर ने क्या करा था, हमला करा था उस पर मोबाइल स्ट्रिप पे, उसको पकड़ ही नहीं सकता मैं। ठीक है भाई ये अगर बुलडोज करता हूँ, ओ भाई दोनों को लगेगी। ओके प्लीज ट्राई, मेरे को ज़्यादा लगेगा नहीं तो, यानी कि ये स्टील और आइस है। अम्बरियन को भी लगा बट खैर कोई नहीं, अम्बरियन झेल ले, सामने वाले को तो कुछ नहीं लगा, खैर उसकी स्पीड तो गिर गया। ओ भाई बहुत डैमेज करता है यार ये अम्बरियन, बहुत डैमेज करता है। ओके स्पीड मेरी पहले, और खा हैमर, आइस और स्टील है, लेट्स सी। सुपर इफेक्टिव नहीं आया, तो इतना तो पता चल गया दो टाइप है ये, हो सकता है दो टाइप।
एंड सीरियसली व्हाट वाज दैट डार्न थिंग स्केर्ड मी हाफ टू डेथ इट वाज डेफिनेटली काइंड ऑफ मैकेनिकल लुकिंग फॉर अ टेरी बर्ड नो किडिंग बता दे कुछ तेरे को और मत तेरे को कुछ तो पता कम ऑन लेट्स गेट इनसाइड ऑलरेडी वन मोर जंप स्केयर लाइक दैट आई एम डन फॉर बोले एक और ऐसा जंप स्केयर लाइक ऐसा आ गया तो ये तो खत्म है चलो ऐसा आगे चलते हैं अंदर इन दोनों मोहतरमों के साथ या फिर जो भी एक मोहतरमा दूसरा मेरे को पता नहीं कौन है वो उसके साथ टाइम स्पेंड करें थोड़ा रेस्ट करें थोड़ा बातें करें बेड पे ज़रा मस्ती करें ओ क्या कहते हैं तीन पत्ती खेलें या जो भी है ऊनो खेलें ऊनो मेरे को आता नहीं बट थोड़ा सा खेला था उन्हें सीम्स लाइक वर्ल्ड पोकेमॉन डॉट कम इन एयर वर्ल्ड पोकेमॉन आते नहीं है तो ये बात ठीक है भाई हे सीरियसली व्हाट इज दिस प्लेस चैट पोकेमॉन पता था अरवन तेरे को पता है वो तो मैं भी सोच रहा हूँ भाई तेरे को नहीं पता क्या ऐसा छुपा के रख रखा आई थिंक मे बी टैट पोकेमॉन वॉज वन ऑफ दीज बुक वॉलेट बुक व्हाट्स टैट बुक वॉलेट एज वी डिसेंडेड फर्दर इन टू एरिया जीरो वी बिगन टू कैच ग्लिम्पसेस ऑफ मिस्ट्री पोकेमॉन दो वी वंडर इफ दिस कॉम्पैक्ट क्रूअल बीस्ट वर इंडीड पोकेमॉन एट ऑल ऑल ऑफ आवर टीम सफर्ड अ ब्रूटल ब्लो फ्रॉम सच अ बीस्ट ये हमने पढ़ रखा मॉन्स्टर ऑफ एरिया जीरो और जो बाहर मिल रहा था सो दे आरंट एक्चुअली पोकेमॉन डोंट टेल मी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करा गया उनके ऊपर भाई भाई वो रेगुलर पोकेमॉन तो नहीं है मे बी टे डेफिनेटली डू लुक डिफरेंट एंड एट लीस्ट आई हैव नेवर सीन एनी वन ऑफ देम भाई भूख लगने लगी यार आई सपोज द टाइम हैज कम फॉर एन एक्सप्लेनेशन बोल बोल जल्दी बोल भाई यहाँ पे तुमने एक्सपेरिमेंट करा सो सम ऑफ द लाइफ फॉर्म दैट यू सी रिसाइडिंग नाउ विद इन एरिया जीरो और फ्यूचर पोकेमॉन दैट लिव्ड इन अ डिस्टेंट एयर वी हैव येट टू सी ओ यहाँ पे जो कुछ पोकेमॉन है वो फ्यूचर से आए हैं क्या जो हमें अभी देखने बाकी हैं फ्यूचर पोकेमॉन तो कैसा है व्हाट दैट्स ऑसम ओ कम ऑन देयर इज नो वे दैट पॉसिबल द जीरो लैब वेयर आई हैव लोकेटेड कंटेनर्स आर टाइम मशीन ओ भाई सर ड्रैगन बॉल जी का ट्रंक्स है ये इट समर्स द फ्यूचर पोकेमॉन टू अच्छा वो फ्यूचर मशीन यहाँ पे बुलाती है फ्यूचर पोकेमॉन को टाइम मशीन ओ माय गॉड शिट मैन सो द थिंग माय डैड स्पेंट फॉरएवर सर्चिंग डाउन हियर He actually got it working. It did. Though the cost was catastrophic. The cost? Kya ho gaya bhai? But a time machine, you can. Agar acha time machine agar sahi mein ban jaye, to aap logon se question poochta hu main. Important question hai. Dhyan se comment mein jo iska answer dena. Agar literally time machine banti hai, to aap log kya karna chahoge? लाइक अपने पास भी आके कुछ चेंज करना चाहोगे या फिर फ्यूचर में जाके अपना देखना चाहोगे या मतलब बताओ और अच्छा जवाब देना लाइक लिटरली मैं देखना चाहता हूँ कि लोग क्या करना चाहेंगे इफ इट इज थियोरेटिकली पॉसिबल टू ट्रेवल टू द फ्यूचर हाउएवर फॉर बीइंग सच अ ह्यूमन भाई अभी प्रेजेंट नहीं है अब भले ह्यूमन के लिए प्रेजेंट पर नहीं आ सकता वेल दैट्स हॉरिफाइंग डैड यू टोटल भी डैड वहाँ जा चुका है डैड वाई डिड यू कॉल अस हियर टू एक ना डोंट टेल मी फ्यूचर में जा चुका है और वापस ले आ पा रहा ओ मतलब सच में लाइक इसलिए बोला ना कि जो जा सकता वापस ले आ सकता इसलिए इसके पास नहीं आ पाया एक मिनट इट विल इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड वंस वी कैन अलाउ देन अमृत भाई कुछ तो करो प्लीज यूज अस सेंटर पेन डिसेबल भाई ये तो इमोशनल करके मानेंगे यार अरविंद की स्टोरी ज़्यादा इमोशनल है सही में ज़्यादा इमोशनल है ओके गाइस एक और लॉक खोल दिया अभी दो लॉक और बाकी हैं वेल डन प्लीज कंटिन्यू योर एफर्ट्स चलो बाकी स्टेशन में चलते हैं हे अमृत क्या बोलना चाहता है भाई यू नो डैट बुक ही टोल्ड मी टू ब्रिंग आई थिंक इट्स गॉट सम हाँ वो तो है और मोर लाइक एवरीथिंग टू डू विद दिस प्लेस सब कुछ उसी में है भाई सारा डाटा एंड आई एम नॉट द वन ही एक्सपेक्ट टू फिक्स वट एवर ऑल दिस इज यू आर आई थिंक यू शुड बी द वन टू कैरी इट भाई मुझे दे दी बुक इसने वॉलेट बुक और उससे आप क्या कर सकते हैं और रिकॉर्ड ऑफ एक्सपीडिशन डेट द ऑदर हीथ वेंट ऑन विद इन द क्रिएटर द बुक हैज नेम टूरो रिटन ऑन इट इन ए क्लमजिंग हैंड राइटिंग गाइस हमें वो बुक मिल चुकी है जो कि सब कुछ लिखा हुआ है अब तक जो इसमें हुआ है डैम टाइम मशीन कुछ बोला अ टाइम मशीन फील्स लाइक वी जस्ट स्टंबल इनटू अ साइफन नॉवल और समथिंग भाई एपिसोड काफ़ी लंबा होने वाला बट कोई नहीं आई कैंट बिलीव आई गॉट टू बैटल पोकेमॉन फ्रॉम होल डिफरेंट और आप कुछ कहना चाहोगे अपने पिताजी के बारे में बट देन हु भाई ये तो खतरनाक होती जा रही है यार कहानी बहुत सीरियस होती जा रही है बहुत ज़्यादा चलो अब चलते हैं नीचे एस्पियन भी दिख रहा मुझे
डायरे नहीं जा सकता क्या? ओके गोरा वो नीचे दिख गया मेरे को। आई पैड नॉर्मल आई कैस आर यू सीरियस इवन आई नो अबाउट यू डैट ही इज ऑन द बोर्ड ऑफ रोटम फोन कंपनी। वेट हाउ डू यू नो डैट? आई डोंट नो डैट ही इज फेवरेट एंड गैस आई लुक इनटू हिम फॉर मेनी रीजंस सो निमोन इज एक्चुअली सम पैम्पर्ड लिटिल प्रिंसेस। एक मिनट इसका पिता रोटम कंपनी में? नो वे दैट्स नॉट माई थिंग। आई गेस यू कुड से मदर फादर फॉर लाइक हैंड ऑफ बट इन अ वे माई बिग सिस्टर लिव ओवर द बेसिस सो दे प्रीटी मच लेट मी टू हैव एनी वेट मदर एंड फादर दैट्स इज अ पैम्पर्ड लिटिल राइट देयर। क्या कलर पहली व्हाट इज योर फैमिली? माई फैमिली भाई इसकी फैमिली सुपर रिच है भाई लाइक सुपर ओवर प्रोटेक्टिव यू मीन। अच्छा इट्स जस्ट माई डैड ही इज लाउड किलिंग एंड मेक्स अ वियर्ड नेम लाइक पैन पैन इज द मोस्ट अनोइंग टाइम इन द वर्ल्ड पीरियड ही इज द वर्स्ट। भाई अपने पिता के बारे में डैड से रियल फोन हैविंग हिज ओन टोलन डिस्क्राइबिंग लाइक दैट डोंट यू डेयर टेक हिज साइड अबाउट योर मदर सीम्स सुपर नाइस। हाँ अच्छी तो है बट यू मैटर भाई पता नहीं जब गोटा ग्रीन अमेजिंग लिविंग सैंडविच माँ तब बापू का नहीं पता भाई माँ से तो हर कोई मिल लेता है। ओके गाइस यहाँ पे टीएम पड़ा एक बार वो टीएम उठाते हैं। ओके ये शायद मैंने इवॉल्व कर रखा है। ये क्या गोल्ड है क्या यहाँ पे? हाँ फंसा हुआ बेचारा भाई गार्चों में यार मिस हो गया यार उस समय मेरे को बड़ा दुख लगा भाई गार्चों में निकल गया मेरे हाथों से। हाँ थोड़ा दर्द हुआ है पर चलता है उस रात अपन 2 बजे तक किया एक्सप्लोर करते करते गैस बहुत टाइम हो जाएगा इसको तो ऑफलाइन करना चाहिए। ओह माइल्ड मिंट मिली पड़ा है ये तो अच्छी चीज़ है मिंट अच्छी चीज़ है। अगर इन सबको अगर मैं पेल दूँ तो और राजू ओ ये डिस्को डिस्को चल सबको पेल दो जरा मैं ज़रा एक और वो देखूँ अपना एलेक्सर। ओके गैस बोल रहा बड़े वाले को बेल दिया बेल दिया बेल दिया बेल दिया आजा भाई आजा आजा कामों की तरह कितना सही रहता ना स्टील टाइप होना एक साइकिक एक स्टील एक फायर लाइक तगड़ा फायर सही रहता लिटरली। और ये फ्लाइंग अगर होना मेरे पास भाई बेस्ट है स्टील और फ्लाइंग लाइक तुम्हें ना बिजली कुछ कर सकती हो तो ना। ओह ये कुछ पड़ा हुआ है अच्छा नहीं वैसे वैसे ही चमक रहा था मेरे को लगा कुछ चमकता हुआ से दिखा। केयरफुल मेंट स्पेशल डिफेंस गिराएगा बट तुम्हारा स्पेशल अटैक गिरा देगा ठीक है। ओके एक और गया आ चुका है रिसर्च स्टेशन अब कौन सा पोकेमॉन आएगा हमारे अगेंस्ट में। ऑल राइट अनदर रिसर्च स्टेशन इस बार अर्बन बोला तो अर्बन शायद हमसे हमारे साथ फाइट करने आएगा क्योंकि पहले निमोना बोली थी फिर पैनी फिर अब ये लेट्स सी बारी बारी कर कैसे कर रहे हैं। नाइस वी गेट टू चिल फॉर अ मिनट बट बड़ी जल्दी थक रही पहले नहीं चलती थी समथिंग्स गोन 100% गारंटेड। अब पेट पकड़ के ओ पैन इज सच अ वेरी वॉट भाई वो केयरफुल रह रही है। ओ भाई सही आया शिट मैन ये तो शील डॉन फैन है सी सी देखा देखा और पीछे निभाना खुश हो रही है हम दोनों चौंक गए हैं भाई एपिसोड बहुत अच्छा एपिसोड वेट जिस इज जस्ट लाइक द हाँ तो इसके लिए मेरे को सो इट वॉज फ्यूचर पोकेमॉन ऑल अलॉन्ग और उसने हर भी खाली थी वो यू बेटर वन ऑफ दिस बिफोर अर्बन इट लुक्स सीरियसली स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग था भाई बहुत ज़्यादा आर ओल्ड प्रोस वैन इट कम्स टू टाइटन्स लीव दिस टू अस मैंने बोला था अर्बन ही आएगा आ गया अर्बन बारी बारी करके आ रहे थे और वो दूर से पोकेमॉन फेंकेगा एंड आई होप इस पर फायर और ग्राउंड का काम होगा मेरे को सेलुलर जाके रख लेना चाहिए बट खैर मुझे थोड़ी पता था क्या होने वाला और जमीन दिख रही है गाइस नीचे तक देखो है ना नीचे तक जमीन दिख रही है मावसिनस का ओ 62 लेवल है भाई 62 लेवल है गाइस मैं पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा अर्थक्वेक से दोनों को लगेगी। अरे हाँ हैमर आर्म मारता हूँ इसमें हैमर आर्म से ज़्यादा अच्छा है अर्थक्वेक से तो मोबस्टिक को लगेगी खैर वो डार्क टाइप पोकेमॉन है तो फिर भी डैमेज तो होगा अर्थक्वेक डैमेज करता है काफ़ी करता है। ओके फायर फैंग ओ भाई फायर फैंग है इसके पास मोबस्टिक भी अच्छा पोकेमॉन है और बर्न भी कर दिया। अरे अरवन पगले रुलाएगा क्या भाई बर्न भी कर दिया अब तो एक बार में खत्म है जी जी बोलते और हैमर आर्म से इसका खोपड़ा खोलते ओ भाई रैपिड स्पिन मारा उसने ज़्यादा कुछ होगा नहीं मेरे में लगता तो शायद होता मेरे को स्पीड उसकी पहली बड़ी हुई थी अब फिर से स्पीड बढ़ा ली और फायर फैंग मिस
कर हो गया मिस, मेरे को लग रहा था क्योंकि एनिमेशन ही है। ये ले तेरी पैंस की आँख, अब ओ बंद कर देगा, काम खत्म कर देगा बंद। आई होप सो यस। आयरन ट्रेड्स बाय बाय जी जी। भाई एक्सपीरियंस तगड़ा मिला, 3000, सीरियसली 3000 मिला है। ये सी डेट विक्ट्रीज आवर सामने बड़े टाइटन के रहे हैं भाई, चम्मच इसका जो पीछे पतीला उससे मे बी द वन वी सॉ वी वर सर्चिंग आउट द हर वे केम आउट एंड हियर। हाँ यहाँ से आया और उसने वो कर लिया। यू टू गॉट टू मीट वन ऑफ दिस पोकेमॉन बिफोर अवर क्रिएटर। हाँ जेलस जेलसी हो रही है तेरे को भाई। हमें अभी वी हैव इफ वी हैव गॉट थिंग्स फ्रॉम द लिटरल फ्यूचर रोमिंग अराउंड पहले डेट्स अ मेजर प्रॉब्लम एनी थू कीप दैट अंडर कंट्रोल। भाई वही कर रहा है कुछ ना कुछ, वही ही रोक रहा है शायद। ये रेड कॉज इट्स नॉट लाइक ओ सो ब्रिलियंट प्रोफेसर एवर मैसेज सब। भाई तेरे को नहीं पता तेरे पिताजी क्या पता वहाँ क्या कर रहे हो, कुछ बुरा हो गया हो भाई कुछ तो है सही में, लाइक थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। पेरेंट्स गैस हम लोगों के लिए क्या करते हैं हमें नहीं पता, जब तक हम बाहर जाके पैसा नहीं कमाते। तुम्हारे घर में तुम्हें हाँ बोलो या ना बोलो चलता है, पर दुनिया जब तुम्हें ना बोलेगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कैसा लगता है। एंड मेड इट टू द स्टेशन नंबर 3। हाउ वी डूइंग आफ्टर ऑल डैट वॉकिंग बैटलिंग एंड वॉट नॉट, एनी वन नीड अ रेस्ट। भाई तेरे को काफ़ी रेस्ट चाहिए यार, क्या हो गया पैनी? पैनी सोच रही भाई, यू फीलिंग रफ पैनी? भाई दिमाग तोड़ा यू, नो इट्स नॉट डैट। आई हैव जस्ट बीन थिंकिंग एवर सिंस द प्रोफेसर मेंशन डैट टाइम मशीन द पोकेमॉन हियर इन ईयर जीरो केम आउट टू अवर टाइम फ्रॉम द फ्यूचर। हाँ सो वट अबाउट मिराडन, इजंट इट प्रीटी लाइकली डैट्स हाँ ऑल्सो फ्यूचर पोकेमॉन हो, लेकिन वो डरा हुआ क्यों है? यू आर राइट, हो सकता है वो मिराडोन बाहर निकल। आई थिंक यू आर ऑन टू समथिंग, इट्स काइंड ऑफ गिविंग ऑफ फ्यूचर वाइब्स इवन इफ इट नेम साउंड फ्यूचर वाइब। वेट अ सेकंड, आई टॉक टू फॉरगॉट। हे अरविन, यू हैड मिराडोन्स बॉल एंड यू टोल्ड अस अबाउट इट फ्रॉम इन द फर्स्ट प्लेस। बताओ भाई अरविन, यू मस्ट नो समथिंग। भाई स्टार्टिंग से कुछ तो छुपा रहा है। यू स्टिल रिमेंबर डैट फ्रॉम वे बैक, नो वंडर यू आर एवरीबडी लिटिल स्टार पीपल। भाई स्टूडेंट तो हो तो ऐसी हो। यस आई गॉट नो चैन दैन बट टू टेल यू बट आई नो। बता चल, तूने मेरे को नहीं बताया लड़की को बता रहा, तेरी पैस क्या किसी बैग से तेरे को नीचे दबाऊंगा मैं। डैट बगन मेरा डोंट डैट इज इट वॉज फाउंड बाय माई डैड बैन ही वॉज वर्किंग ऑन हिस टाइम मशीन। ऑन हिस टाइम मशीन और ऑन डैट टाइम मशीन। आई बिलीव इट वुड बी बेस्ट फॉर मी टू टेक ओवर द एक्सप्लेनेशन एट दिस पॉइंट। बता दे मेरा डोंट विच आई एंट्रस्टेड टू अमृत वॉज द फर्स्ट पॉकेट डैट वॉज सक्सेसफुली रिट्रीव फ्रॉम द फ्यूचर बाय द टाइम मशीन। अच्छा वो सबसे पहला पॉकेट था जो टाइम मशीन से रिट्रीव करा गया था, जो लाया गया था लाइक भाई साहब सबसे पहला पॉकेमॉन मिराडोन है थ्रू एनालिसिस ऑफ इट्स जेनेटिक मेकअप एज वेल एज इट्स बिहेवियर पैटर्न्स आई केम टू रियलाइज डैट वट आई हैड डिस्कवर्ड वॉज इन फैक्ट अ फ्यूचरिस्टिक फॉर्म ऑफ साइक्लिजार। हाँ वो तो पता साइक्लिजार का फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। द पॉकेमॉन कॉमनली रिटर्न इन दिस रीजन वेल डेट मेक सेंस आई गेस दे डू लुक लाइक। हाँ मैनी अदर पोकेमॉन ऑल्सो केम टू दिस प्ले फ्रॉम अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ टाइम बट आई वॉज नेवर एबल टू ब्रिंग ओवर मोर देन टू स्पेसिफिक ऑफ मिराडोन। एक मिनट दो लेकर आया है, नो यू मीन देयर्स अनदर वन अराउंड हियर समवेयर बट दो मिराडोन है। बट इफ आर देयर बट इफ दे आर फैमिली द अदर वन कुड स्टिल बी समवेयर वेटिंग टू फाइनली बी री यूनाइटेड। भाई तूने डोंट टेल मी भाइयों को अलग करा, बहनों को अलग करा, या जो भी माँ बाप को अलग करा, या पति पत्नी को अलग करा, फैमिली रीयूनियन भाई साहब। एक्चुअली इमेजिन हाउ थ्रिल्ड दे विल बी इफ वी कैन गेट द फैमिली बैक टूगेदर आफ्टर। भाई एक और मेरा डोन है टाइम, फिर तो मैं ऋषभ भाई और ऋषभ भाई को दे सकता हूँ मैं, क्योंकि उनके पास वो है स्कारलेट है। इफ़ वी कुड प्रोसीड तो उनके पास एक और एक्स्ट्रा आएगा कोराइडॉन, तो वो फिर मेरे को दे सकते हैं। प्लीज डिसेबल द नेक्स्ट लॉक। ओके गाइस तीसरा लॉक हम करने वाले डिसेबल। स्टोरी बहुत ओपी है, बहुत ओपी है। अब भूख के मारे भाई मेरा बुरा हाल हो रहा है। और लास्ट बाकी एक ऐसे करता हूँ, लास्ट स्टेशन खोलते हैं फिर गाइस मैं इस एपिसोड को एंड करूंगा। ओके ये क्या है? और टाइम मशीन रिसर्च हैज यील्डेड ट्रायंफ अपॉन पोकेमॉन फ्रॉम द डिस्टेंट फ्यूचर। आई हैड नेम्ड इट मिराडोन, आई वाज एक्सपेक्टिंग वन लाइफ टू ट्रेजर बट फॉर फॉर्च्यून टू बी ब्लेस्ड विद दिस गिफ्ट एज वेल। ओके गैस ऐसे करते हैं, सरोज को आगे रखता हूँ मैं। हेलो सरोज को, और एक लड़के बात कर लूँ मैं इनसे तो। यू कैन लीव एनी वाइल्ड पोकेमॉन अप टू मी। अच्छा सबको बीट कर दी। रियली टक एट द हार्ट स्ट्रिंग डोंट दे, नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग, तो कंप्लेन नहीं करती रहती है। इफ दैट अदर पोकेमॉन इज रियली ओनली फैमिली इट हैज लेफ्ट इन द वर्ल्ड। भाई वो दोबारा मिलना चाहता है।
ओके गाइस, तो लास्ट लॉक की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और मैं देखता हूँ एक मिनट, मेरी रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ ऑन है भाई, थैंक गॉड ऑन है भाई, डर लग गया था मेरे को, रिकॉर्डिंग ऑन है। और यहाँ पे मैं करूँगा सेव, क्योंकि भाई लाइट नहीं चली, अगर लाइट गई तो फिर बैंड बजेगी, या मेरा कंप्यूटर गाइस क्रैश हो रहा है, तो वो थोड़ी दिक्कत भी है। सो ब्राइट इज अ फीचर पोकेमॉन, नो वंडर्स यू हैव गॉट, लेट मी बैंड मेरा डन। भाई निमोना निकल जाए, चल मैं वेट स्टिल वॉन्ट कम आउट, मेरा डन फेल दियो भाई। मैं तो कह रहा हूँ सबसे पहले जब तेरी असली पावर बाहर आएगी ना, फेल दियो भाई। इट वॉज जस्ट वियर्ड पोकेमॉन माई डैड ब्रॉट ऑल ऑफ अ सडन, वी आर लिव टू दैट लाइट हाउस। अच्छा लाइट हाउस बल्ब में वेट फॉर की बेट, आई हैड टू टेक केयर ऑफ, सो डेट्स वाई यू न्यू सो मच अबाउट इट। ओह बच गया ये, बट वन डे मेरा डन जस्ट वेंट नट्स अगेंस्ट सींग इट, सो द सीक्रेट वॉज ऑफ वन डेट हैपन माई टू क्विट एंड वेंट बैक टू सीर। अच्छा लोगों को पता चल गया, तो वो लेके वहाँ इरेज जीरो में चला गया। इफ आई डेंट सी माई डैड मेरा, अच्छा तो वो जब वापस लेके चले गए तो उसके बाद से नहीं देखा हमने डैड को, और उसको एवरीथिंग डिडंट वॉन्ट इवन टॉक अबाउट इट। भाई तूने बताया नहीं मेरे को, कोई ना, यू शुड बी शूट डेट्स लाइक द कोल्ड कूलेस्ट थिंग, ये यू हैव ग्रेट नो रेवेलेंट, थैंक यू गाइस हार्श। अबे आगे मुक्का मारू तेरे में, हार्श हार्श बोलता है तेरे साथ, तो और करना चाहिए था कुछ, मतलब अपने पहले तेरे मोहब्बत शरीफ को लाइक पूरा ठीक करा फाइट करता, और तूने मुझे नहीं बताया। वो है कुछ गाइस, कुछ तो रूट है वहाँ से। ओ वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा सेंटर गाइस, वो रहा लास्ट लॉक, चाहूँ कहाँ से मैं गाइस। मैं वापस जो तीसरा लॉक था उस पर वापस आ चुका हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि लॉक वन से सीधा गए, लॉक टू से गए, थ्री से गए, क्या पता हमने मिस कर दिया। और देखो सही में इतनी बड़ी गुफा मिस करती थी, क्योंकि मैं यहाँ से आगे चला गया था बातें करते करते करते। डैम देख रहे हो सामने गुफा थी, सामने काट दे इसी बातें से, इतनी बड़ी गुफा। और मैं घूमे जा रहा था, खैर इसी माले हमने बातें कर ली, हमने पॉकी पकड़ ली, हमने लेवल अप कर लिया, और पॉकी बॉल भी कुछ चीज़ें उठाई हैं, और हम चलते हैं आगे। अब ये फिर से शायद बात करेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एज ऑलवेज जब भी हम पास पहुँचने वाले कुछ ना कुछ बात करते हैं, ये ध्यान से सुनने वाली होती है क्योंकि स्टोरी से रिलेटेड है। और कार का नकल, ओ हाइड्रोगन भाई, हाइड्रोगन क्या कर रहा है यहाँ पे, ओ माय गॉड। और ये हाइड्रोगन फ्यूचर वाला हाइड्रोगन, ओ माय गॉड भाई, फ्यूचर हाइड्रोगन भाई। मैंने इसको किसी में तो खेला है, और मैंने सही बताऊँ मैंने लाइक लिटरली क्या कहते हैं, ये डार्क ड्रैगन टाइप है, बहुत खतरनाक ड्रैगन बनता है ये भाई। कोई बार प्लीज आ जा, आ जा, आ जा, जा। प्लीज 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 प्लीज, ओए भाई इस पर क्या लगेगा, ड्रैगन एक बार मार के देते, लेकिन स्टील है ना ये साथ में भाई, मारी मत। ओ भाई करंच मारा, ठीक है भाई करंच ज्यादा हमें लगेगा नहीं। अब इसको जरा गुफा के अंदर है क्या, गुफा के एरिया अंदर आते नहीं आते, देखता हूँ अभी, क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है। ओ भाई क्लोज था, हाइपर वॉइस ज़्यादा लगेगा नहीं हमें, वैसे एक बार फिर से करके देखते हैं यार। मैंने पता बॉल नहीं खरीदी, मेरे को ले लेनी चाहिए थी ये वाली भी, क्योंकि अब सारा अगर गुफा वाला है तो मिल गया। आयरन जगलेस, अब मैं देखता हूँ जरा, इट्स पॉसिबल डेट आयरन जगलेस एंड ऑब्जेक्ट डिजाइन ओल्ड बुक में एक्चुअली बी दिस पोकेमॉन। एक मिनट गाइस, कोई गेट पे आ गया यार आज, एक तो मेरे को काम करने के बहुत काम आ रहे हैं आज इस एपिसोड को रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा। गाइस बैक, इसको ऐड टू योर पार्टी तो नहीं करूँगा, उसको छोड़ दूंगा भाई। डार्क और फ्लाइंग है, मेरे को लगता है स्टील हो सकता है भाई आज तो, लाइक लिटरली बहुत काम है। ओके गाइस, सारे वाले पोकेमॉन हमें यहाँ से मिलेंगे। ओ ओ ओ ओ भाई तू कहाँ से आ गया बीच में, मेरे को लगा था मेरा पोकेमॉन है, व्हाट द हेल भाई, मैं उसको पकड़ने वाला था गाइस, देखो कितनी दूर फेंका मेरे को, वाओ बागी कर दिया मेरे को, आर यू किडिंग मी भाई साहब, कहाँ फेंकेगा मेरे को एक नडे, सही जगह फेंका, बगल में फेंका वैसे तो उसके, आ जाए जरा इसको पकड़ लेता ना, अब आए हैं तो पकड़ के जाएंगे भाई, सारे पकड़ लेंगे, सब पकड़ लेंगे।
ओके क्विक 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 एक बार में जल्दी सर क्लेमोरा हमारे पॉकेटेक्स हो जाएगा शायद, मतलब जल्दी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि मिल गया पहले, क्योंकि गैस हमने बहुत सारे पकड़े स्लेट के चक्कर में, वो जो स्लेट निकाली थी ना उसकी वजह से, पर अभी भी पकड़ते जा रहे हैं। और आप देखना चाहोगे क्या, अच्छा रॉक और पॉइजन है ये, बट द हेल ग्लिमर्स पेटल मेड ऑफ क्रिस्टलाइज पॉइजन एनर्जी, इट हैज रिसेंटली बिकम एविडेंट एज द पेटल्स रिसेंबल टेरा ज्वेल्स। भाई रॉक पॉइजन, मैं तो ग्राउंड सोच रहा था उसको, या ड्रैगन सोच रहा था, लाइक उसका ड्रैगन भी। ओके हमें मिल चुका है, और डेली बर्ड इसको पकड़ लेंगे, पेट घुमा कर ये ले तेरी भैंस के, एक आयरन बंडल, आ तेरा बंडल बीड़ी का बंडल खोलूँगा, बाकी तो जोर से सीखा आयरन बंडल। फ्यूचर पोकेमोन ये सब फ्यूचर से आ रहे हैं, और फ्यूचर में ऐसा क्या होगा कि सारे रॉबर्ट, ओह क्रिट मार दिया, ये हुई ना बात, मिल चुका है सबको, ये भी मिल चुका है, डैम, और लेवल भी अप हो चुकी है, आइस और वाटर, ओके मतलब वाटर बन चुका है स्टील वाला। टैल वैशन इंड ऑल देर ऑल टू रिपोर्टेड आर्टिकल ऑफ दिस पोकेमॉन, सिर्फ दो ही बार इसको देख रखा है, तो ये आइस और वाटर है, तो जो उसका झोला है वो वाटर है, सही यार। ओके यहाँ से हम भागते हैं फटाफट से, भागो भाई भाई भाई, कैसा है वो दीवार पे चिपका हुआ ये ग्लिमोरा, डैम क्या हुआ भाई, वो आओ बीच में आ गया एकदम, लाइक वाले जहाँ से चढ़ने एक बार गिरा, एंड सीन आ रहा है, देखते हैं क्या सीन बनने वाला है, यहाँ से धक्का दे दूँ भाई, कैसे मुंह खोल के देख दूँ भाई, सुंदर ओबोर ओबोर नीचे कैसे हम पहुँचने वाले हैं, ओह माय गॉड लुक एट ऑल दिस ह्यूज गॉड्स क्रिस्टल, दे गो ऑल द वे टू द बॉटम, भाई यहाँ से लेके नीचे तक है, और टीएम दिख रहा है मेरे को एक, और अब कौन सा हमसे फाइट करने आएगा, कौन सा टाइटन, भले अरवला है तो टाइटन, वन स्लिप एंड वी कैन किस अवर शॉर्ट लाइव्स, ये तो भाई इतनी ज़्यादा डरपोक है ना, ओ गुड कॉल वॉच योर स्टेप, सो द प्रोफेसर डाउन देयर समवेयर वेटिंग फॉर अस, अब तेरा पिताजी है डैड बोल डैड, एंड डैड्स फाइट टोटली फाइन, आखिर का मिल तो पा रहा तू, ऑल राइट टीम वॉच योर सेल्फ, लेट्स, इमोशनल जर्नी है यार एरवन के लिए, बहुत इमोशनल है, इसको तो पोकेमॉन चाहिए बस, और ये इतनी अमीर रोटम कंपनी में है इसके बाबा, मे बी दे रियली ट्रेजर डाउन लाइक द स्टोरी सेल बाई ट्रेजर, तो या दिस प्लेस इज प्लेस लाइक समथिंग फ्रॉम अ होल अदर वर्ल्ड, मेक्स यू फील लाइक मे बी यू ऑलरेडी डाइड एंड वेंट समवेयर, स्वर्ग की तरह, इज इट जस्ट मी और डू द क्रिस्टल हेयर गिव ऑफ सम सेम ग्लो एज वेल, सेम वही है, यहीं से कनेक्शन है, ओनली वन वे टू फाइंड आउट, चलो नीचे चलते हैं, अब फिर से पैदल चलना पड़ेगा मुझे, बहुत दूर तक पैदल चल रहा है, डैम बॉय, चलो चलते हैं, ओह अरे यार, और ये स्नेक टाइप पोकेमोन है, ओ इसको पकड़ा नहीं मैंने, अच्छा ये इवोल्यूशन है, इसको पकड़ लेते फिर, इसका पहले वाला इवोल्यूशन पकड़ रखा, अरे मैं कह रहा था कि इसका इवोल्यूशन एक अच्छा वाला नहीं आया अभी तक, लाइक मतलब कुछ अच्छा से बाकी जैसे बाकी को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, जिराफ अरीका कितना अच्छा कर दिया है ना, उसका कितना अच्छा, इसका नहीं करा। ओके गाइस अब एक और पॉकेटेक्स एंट्री हमारी हो चुकी है, टू सेगमेंट फॉर्म, इट रेस एनिमीज आउट ऑफ इट्स नेट्स बाय सकिंग इट, अच्छा ये खा वो हवाई चूस लेता है पूरा। ओके गाइस देख रहे हो कितनी मेहनत करी, फ्लैरियन बाकी है मेरे पास, फ्लैरियन मिल जाए ना सही रहेगा, यानी कि मेरा इवोल्यूशन सारा हो जाएगा। ओके एक पॉकी बॉल है, मैं उधर सोचते उधर पॉकी बॉल होगी, पॉकी बॉल इधर मिली हुई है, प्रीमियर बॉल मिली है, डैम प्रीमियर का क्या करूँगा मैं। ओके आई कैन सी कारगा निकल, क्लेमोरा, टक ट्रियो, आयरन बंडल यानी कि टेलीबर्ड, सो ब्रेडन केम टू अवर एज थ्रू द टाइम मशीन, भाई 87 साल पहले आया क्या वो, 87 डेट सीम्स टू बी द स्टोरी, सो वी ब्रॉट इट बैक होम काइंड ऑफ, और इट इज सेकेंड होम, इज सेकेंड होम है भाई, अगर दिस प्लेस शुड बी फैमिलियर टू इट, और डेट्स ग्रेट चांस टू अनवेंड एंड पास इनटू द फैमिलियरिटी, डेट्स एन एक्सेलेंट चाय हॉट्स बीन, भाई डरा हुआ है वो, उसके साथ कुछ तो हुआ है गाइस, कुछ तो हुआ है, ओह हु सेड इट वाज स्केयर्ड ऑफ हाइट्स, सोचो अगर भाई मेरे को लगा शाइनी मिल गया, सोचो अगर मैंने शाइनी देख के भी छोड़ दिया तो,
कट जाएगा मेरा बहुत बुरा। टांगों के बीच में डेलीबर्ट दिखते हुए लाइक अलग सा ही दिख रहा, मे बी इट गॉट हर्ट डाउन, उसको चोट वोट लगी कुछ, वी कांट नो फॉर श्योर बट इट डजंट चेंज टू द बैटल फॉर्म फॉर एनी मोर। बैटल फॉर्म में क्यों नहीं चेंज होता, हो जाए चेंज। ओ अच्छा मैंने तो पकड़ रखा है, रिवॉल्व भी कर लिया। सीरियसली वेल एटलीस्ट यू सेड इट्स एटलीस्ट नॉट वन ऑफ अस। टेरा ब्लास्ट मिला भाई, अब कहाँ से जाना भाई, तो रूट ऐसे है ना, कहाँ से जाएं कहाँ से जाएं कहाँ से। अगर हम वहाँ से उतरे हैं तो उस तरफ को भाई रूट का पता देखना पड़ेगा भाई, प्लीज चला जा यार। ओ बोरा 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 पास ही हम, अच्छा वहाँ से जाना है। टाइम चलो वापस चले और ये ले पिट, पता कितना बड़ा भाई वो। ओ भाई ओ मैन भाई, यू हरिड बैक टू द यू सो यू वुडंट कैट सेपरेटेड, बेटर डिसेबल द लॉक फ्रॉम भाई, मेरे को लगता हो गया। ओ व्हाट, मैं ऊपर से सीधा जल्दी पहुंच गया भाई, स्टेशन के सामने आ गया लोल भाई, ये तो शॉर्टकट मिल गया, पहले तो नहीं जा पा रहा था, अब कैसे चला गया भाई। वैसे कोई शानी तो नहीं है ना, वैसे किसी ने बोला था कि अगर कोई शानी होगा तो उसको मारेगा नहीं वो, लाइक ऊपर को आ जाएगा निशान पसीने वाला, लाइक मतलब नहीं भाई इसको नहीं मारना ऐसा कुछ। और हमें शॉर्टकट मिल गया, मार 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 सबको मार, हमें इसी टाइप के ग्राउंड और ड्रैगन टाइप मूव मिल जाएंगे बस। शानी यार पता है गिबल का और इनका शानी बहुत ही वो है, पता नहीं चलता। चलो गाइस हम पहुंच चुके हैं लास्ट उसकी तरफ, शॉर्टकट काम कर गया यार, डैम। मैं इतनी देर से ट्राई करता कूदने का, नहीं कूद पा रहा था, और अचानक से एकदम से जज्बात बदल गया, वक्त बदल गया और हमें सीधा यहाँ पे चौथा लॉक मिल गया। एपिसोड बहुत ओपी था, ये सब क्या हो रखा है भाई, तोड़ फोड़ हो रखी है, अच्छा क्रिस्टल उगे रखे होंगे ना अंदर। लेकिन ये तो बताओ व्हाट हैपेंड, दिस प्लेस इज अ मेस, इट लुक्स लाइक समथिंग वेंट बर्सर्क इन हियर, कौन भाई ये हो सकता है, ये मिराडोन कौन हो सकता है, ये पार्ट व्हाट। हेलो चिल्ड्रन, भाई आप चिल्ड्रन कह रहे हैं क्या, प्रोफेसर यू स्केड अस, आई एम सॉरी, व्हाई इज एवरीथिंग इन हियर ऑल बस्टेड अप, आई एम सॉरी। हेलो चिल्ड्रन क्या कब अगेन भाई, आई एम भाई ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो गया, व्हाट द हेक, स्टॉप दैट, यू आर क्रीपिंग अस आउट भाई, ये क्या हो गया, प्लीज सेटिंग रीस्टार्ट, क्या सब वियर्ड कलेक्शन प्रॉब्लम और समथिंग, डोंट टेल मी भाई, मेरे को लग रहा है वो फ्यूचर में चला गया है, वापस नहीं आ सकता, इसके प्री रिकॉर्डेड है सब, ये ऐसा कुछ है क्या, क्या फ्यूचर में जाके उसने देख लिया कि हम ही चैंपियन बने थे, तो पैनी हमारे साथ एक हीरो थी, हमारे साथ एक निमोना हीरो है, निमोना हीरो थी और एक ये, क्या फ्यूचर से वो उसने लाइक देख के रिकॉर्ड करके भेज दिया भाई। वेल इट वॉज डेफिनेटली एट लीस्ट ऑलमोस्ट लाइक आई डोंट नो, क्या 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 बोल, इफ यू मीट एज अ जोक इट वॉज आई हैव स्टिल गॉट गूज़बम्प्स एंड ऑल भाई, मुझे ठीक नहीं लग रहा पता है भाई, मुझे ठीक नहीं लग रहा ये, ऑल लॉक्स डिसेबल्ड। हेलो हेलो कैन यू हेयर मी नाउ, प्लीज फॉरगिव माय प्रीवियस ट्रांसमिशन, देयर सीम्स टू बी सम ओके, दैट्स नॉट व्हाट दैट वाज, क्या था भाई अरमन बता दे, द लॉक्स ऑल हैव बीन डिसाइडेड, प्लीज मेक योर वे नाउ टू द जीरो लाइफ व्हिच लाइज एट द वेरी बॉटम ऑफ द एरिया जीरो, भाई कुछ तो गड़बड़ है, किताब में पढ़ना पता चल जाएगा। My new student has intellect and technical skills to rival my own. A bit rigid at times, but I have got no serious complaint. Productivity has doubled. ये शायद जिसने लिखी है वो शायद इसके बारे में बता रहा है, टू रगा रहा है। We even brought in the second Miradon via the machine, though this one has proved aggressive. अच्छा जो second Miradon आया वो aggressive है। Okay, ऐसा क्या? यहाँ पे guys सोते हैं और हम फिर move on करते हैं। यार वैसे भी इस एपिसोड को मैं डिवाइड नहीं कर सकता था, पता क्यों गाइस, लाइक मतलब तुम पहले इससे बात कर लेते हैं, लुक एट द टाइम आई हैव अ फीलिंग मे बी सम फिटनेस बैटल लीडर, क्योंकि पता क्या है हैविंग यू, क्योंकि लॉक वन दिखाता है फिर लॉक टू दिखाता है, चार एपिसोड थोड़ी करता मैं, और स्टोरी भी समझ नहीं आती आपको,
दैट वॉज ऑलमोस्ट लाइक नो इट कैंट बी ओके गाइस चलो किसी एग्रेसिव पोकेमॉन का एग्रेसिव पोकेमॉन मुझे लग रहा है कि वो मिराडोन जो सेकंड है तो उससे शायद ये डरता है हमारा वाला मिराडोन गाइस वो दोबारा से मैं क्या कहते हैं रिसर्च स्टेशन वन पे गया मैं फ्लाई करके पूरा फ्लाई करके गया फिर वापस आया वन स्टेशन से फिर फोर पे मैंने वो मारा टेलीपोर्ट और फोर से नीचे इसी रूट से चलता हुआ हूँ यानी कि अगर कोई भी अगर खेल रहा हो तो रूट को फॉलो करते हुए जाना शॉर्टकट मत मारना शॉर्टकट कभी कभार के लिए ठीक होता है जैसे उस समय के लिए मैं जल्दी पहुंच गया था बट अभी शॉर्टकट मारने की वजह से मैं कितना ज़्यादा पीछे हो गया लाइक मेरे को आधा मेरा घंटा लाइक वेस्ट हो गया पूरा वापस कर अच्छा वो टेलीपोर्ट था और वो देखो सामने वो दिख रहा है मेरे को एक एरिया आ चुका है तो आप पता है गोल गोल घूमे आ रहे थे मतलब हम उसके पीछे चले गए थे लाइक वो वाले एरिया के पीछे थे डैम और ये यहाँ था भाई वो क्या है आँख चमक रही है क्या वो भाई ये है वो बिल्डिंग आ चुके हैं गाइस देखते हैं भाई कौन है वहाँ पे प्रोफेसर टूरो या फिर वो एग्रेसिव वाला मिराडोन हमारा वेट कर रहा है ओके एक और अच्छा चार लॉक थे वो शायद हमने खोल दिए हैं ऊपर कौन है रेड सा मुंह खुला का खुला हैव वी फाइनली रीच द डीपेस्ट पार्ट वी मेड रेडी टू सी दोस लेजेंड ऑफ ट्रेजर डाउन हियर आर फॉर रियल ये रेड डेड जस्ट फ्लफी दे राइट टू फिल द टेक्स्ट बुक फ्लफ 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 रोटो टोटो टो भाई किसी का फोन बच गया इस टाइम पे वो भी इतनी डीपेस्ट पार्ट में हेलो चिल्ड्रन यू हैव डन ऑल वेल टू मेक इट हियर द स्ट्रक्चर यू सी बिफोर इज द जीरो लैब ओके दैट्स वेयर यू आर राइट प्रोफेसर भाई तू है ना पक्का वहाँ पे बता दो मुझे बट वेट व्हाई डज इट लाइक द होल प्लेस इज बीइंग स्वैलोड अप बाय क्रिस्टल्स द क्रिस्टल सेन इन एरिया जीरो पोसेस अ पेक्युलियर एनर्जी भाई सारी लैब को ये खा रहा है क्रिस्टल दिस एनर्जी कैन अल्टर द फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ मशीनरी ओ माय गॉड ये लिविंग थिंग्स की एनर्जी को अल्टर कर सकता है उनके जो फंक्शन होते हैं और ऑप्टिमाइज भी कर सकता है लाइक इट्स द सेम एनर्जी दैट अलाउस पोकेमॉन टू टेरेस्ट्रियलाइज सो दिस एंटायर बिल्डिंग बीन टेरेस्ट्रियलाइज इज दैट व्हाट यू आर सेइंग डोंट बी सिली एवरीवन भाई कुछ और ये पैनिक भाई दिमाग तो लगा रही है द प्रोफेसर इंप्लाइड जस्ट समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट टेरा ऑप्स जस्ट नाउ दे आर मेड फ्रॉम द क्रिस्टल डाउन हियर इन एरिया जीरो एंड दे अच्छा तो इन्होंने बनाया टेरॉप्स ये इंडीड तो नॉट मैनी नो इट ओ माई गॉड पैनी दिमाग वाले सिंस यू आर डिसऑर्डर फॉर द गेट टू द जीरो लैब नाउ ओपन फॉर यू भाई आगे अंतर इसके क्या है बट वंस यू ओपन द गेट यू विल क्लियरली कंफर्ट विद द डेंजरस पोकेमॉन इनसाइड भाई दे विल लाइकली मेक अ ब्रेक फॉर फ्रीडम क्योंकि वो बहुत सारे लॉक हो रखे हैं अंदर डेंजरस पोकेमॉन कॉल विद द फोर ऑफ यू वर्किंग टूगेदर यू शुड बी एबल टू बेस्ट दैम हमने अनलॉक कर दिया ना प्रिपेयर यू सेल्फ वेल देन ओपन द गेट ओके तो गाइस हम चारों के साथ यू हैव गॉट बी अमृत एंड इट डजंट मैटर व्हाट वी आर अप अगेंस्ट वी विल फाइंड अब वेल देन दैट पुट ऑल माय वरीज टू रेस्ट अरे दो दो चैंपियन है यहाँ पर ऊपर से टेक्निकल वो पीछे पैनी खड़ी और तू पावरची खाना बना के दे हमें हील करता चाहिए तो आखिरकार गाइस हम यहाँ पहुँच चुके हैं और इनमें से कौन शाइनी है कौन नहीं है मुझे नहीं पता मैं सबको पहले आ रहा हूँ किसी ने मुझे कवर्ड में एक भाई ने बताया कि अगर वो शाइनी होगा तो रुक जाएंगे मारेगा नहीं पोकेमॉन एक निशाना आ जाएगा अलग सा तो इसमें तो मेरे को लग ही नहीं रहा कुछ है बस शाइनी है क्या ये है एक बार देख लेते हैं नहीं है भाई तो तूने उसको मारा क्यों नहीं बस 59 लेवल का डैम सीधा ही गार्चम बनेगा लाइक गबाइट और गार्चम करते ही पहले से बनाओ तरह गार्चम तो गाइस अगले एपिसोड इस गेट के बाहर क्या है वो हम बाद में देखेंगे अगले एपिसोड में करेंगे क्योंकि एपिसोड काफ़ी बड़ा हो चुका है और अगर मैं आपको सही बताऊं मेरी रिकॉर्डिंग के हिसाब से मैं अभी 2.5 घंटे प्लस हो चुका है मेरे को इसको बट कट करते करते देखते एक आवर हो जाएगा पता नहीं कितना घंटा होगा या उससे कम होगा ट्राई मैं बेस्ट करूंगा लेकिन आप लोगों को मजा आया होगा आई होप तो जिन्होंने गाइस लाइक नहीं किया तो लाइक करते हैं चैनल पर नया सब्सक्राइब लेने से सबसे आगे लेता हूं ऑडियोस टेक केयर शब्बा खैर एंड पीस आउट